लसाने है बल्दिया गैंगस्टर उजैर बलोच और निसार मुराई की जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएं, सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। बल्दिया फैक्ट्री में 260 बेकसूर अफराद का कत्ल किसने कराया? उजैर बलोच से कत्ल और जमीनों पर कब्जे किसने कराए? निसार मुराई को फिशरीज का चेयरमैन किसने लगवाया? चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए, कहा सानहात से मुतालिक तफ्तीश छुपाना हुकूमत पर सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि बल्दिया का कोई बल्दिया में कोई आग लगाई गई, बल्कि एक स्थानिया था और एक हादसा था। तो सही सूरत जब फैक्ट्री की इसकी जीआईटी की आएगी तो मजीद उस पर कुछ कहा जा सकेगा। बल्दिया फैक्ट्री एक सानहा नहीं हादसा था, लियारी गैंगवार खुला मामला है। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगी, जीआईटी मंजरेआम पर लाने का फैसला दुरुस्त है। पीएसपी रहनुमा अनीस एडवोकेट की समाज से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के हाफिज नईम कहते हैं इत्तेहादियों के नाम सामने आए तो अली जैदी का इम्तिहान शुरू होगा। सबसे पहला इम्तिहान तो अली जैदी का ही है कि जो अब जब नाम सामने आएंगे और उसमें उनके अगर इत्तेहादी सामने आएंगे तो अली जैदी अब इत्तेहादियों को अलहदा करेंगे या खुद इक्तदार से अलग हो जाएंगे और वजारत छोड़ देंगे। अब पहला सवाल तो उन्हीं के लिए पैदा होगा क्योंकि उनके कहने पर ही अब हाईकोर्ट ने बिलाखिर यह डिसीजन लिया है। ट्रेन हादसे में लोग जिंदा जल गए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। रेलवे को बाबू नहीं चला सकते, प्रोफेशनल इंतजामिया की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत, वजीर रेलवे की सरजनिश, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा लोगों को ख्वाब ना दिखाएं। रेलवे में ना सिग्नल है ना ही ट्रैक, कुछ मालूम नहीं होता कि ट्रेन मंजिल पर पहुंचेगी या नहीं। लूट मार मची हुई है, कराची से खैबर तक रेलवे की जमीनों पर कब्जे हो चुके। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, इसाक डार की अहलिया का घर नीलाम करने से रोक दिया। अदालत ने तबस्सुम इसाक की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 7 नवंबर 2019 का एहतसाब अदालत का फैसला मौतल, नैब को नोटिस जारी, 13 फरवरी तक जवाब तलब।